गाइस, तो कैसे हो यार आप सब। आज हम बात करेंगे अबाउट डीजल कार बैन, तो चलो शुरू करते हैं। पिछले 2-3 दिनों में हर न्यूज़पेपर में न्यूज है अबाउट द न्यू कार रूल दैट इज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट 10 ईयर ओल्ड डीजल एंड 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल कार्स अब लीगल हैं, बट देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो, मैं सब टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल में शेयर करूंगा। एंड अगर आपने पहली बार ट्यून इन करा तो वेलकम टू दैट बीमर गाइड। सो इस चैनल का फोकस है टू प्रोवाइड यू नॉलेज अबाउट कार DIYs, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड जनरल मेंटेनेंस टिप्स, मेनली फॉर अस इंडियंस दैट हैव टू rely on foreign YouTubers as they cannot find this content in our native language. So, अगर आप interested हो तो subscribe करो and join the movement. So, Supreme Court ने rule pass करा था to ban 10-year-old diesel and 15-year-old petrol cars in Delhi NCR because pollution in Delhi NCR was increasing on a massive rate. एंड सबसे ज्यादा पोल्यूशन पुरानी एंड अनमेंटेन्ड डीजल कार से होता है। एज हर दूसरा मेजर टू स्टॉप पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर वाज अ फेल, बट इस न्यूज से बहुत ड्रास्टिक प्राइस ड्रॉप आया इन सेकंड हैंड कार मार्केट। जब न्यूज आई कि 10 ईयर ओल्ड डीजल एंड 15 ईयर ओल्ड कार्स अब जंक कर दी जाएंगी अगर आपको पुलिस ने रोका, तो बहुत लोग घबराए एंड पुरानी कार्स को बहुत ही ज्यादा चीप रेट्स में सेल कर दिया। अब जरूरी नहीं कि पुरानी कार ही पोल्यूशन करे, न्यू अनमेंटेन्ड कार कैन ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरमेंट। आई हैव अ स्विफ्ट डिजायर 2011 विद ओवर 260,000 किलोमीटर्स, बट वेन यू लुक एट द कंडीशन एंड हाउ इट ड्राइव्स, आई एम श्योर अगर किलोमीटर ना देखो तो कोई नहीं बता सकता कि कितनी पुरानी है बिकॉज इट इज प्रॉपरली मेंटेन्ड। अब 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में न्यूज आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यू रूल्स लिखे हैं। तो क्या हैं ये रूल्स? तो पहली बात, अब 10 ईयर ओल्ड डीजल एंड 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल कार्स लीगल हैं, बट आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या कॉमन टर्म्स में कार को दोबारा पास करवाना होगा। री रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्कूटर की न्यू रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपीज में होती है, तो सेम ओल्ड स्कूटर की अब 2,000 में होगी। तो 2 times रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी आपको आपके व्हीकल पर, बट एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई तो हर साल रजिस्टर नहीं करवाना आपको, जो डेट मेंशन होगी RC में कार जब तक वैलिड है। सो टू स्टॉप अनमेंटेन्ड कार सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाला है कि आपको एक टेस्ट करवाना होगा आपकी पुरानी कार्स में every 6 months, जिसमें आपकी कार की कंडीशन देखेंगे कि कार पोल्यूट कर सकती है या नहीं, एंड अगर आपकी कार टेस्ट में पास होगी तो आप कार को ड्राइव कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड अभी इंडिया में एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है दैट कैन बी बॉट फॉर 50-100 रुपीज, इससे पता चलता है कि कार पोल्यूशन फ्री है या नहीं। बट इंडिया तो इंडिया है, नोजल लगाते हैं कार के एग्जॉस्ट में ड्यूरिंग अ पोल्यूशन टेस्ट, बट मैंने अभी तक बहुत कम सिटीज में देखा है पोल्यूशन टेस्ट जो नोजल से प्रॉपरली होता है। एक बार मैं पोल्यूशन टेस्ट करवा रहा था, उसमें उस बंदे ने खुद वैल्यू एंटर करी। मैंने पूछा तो बोला भाई नोजल सिर्फ दिखाने के लिए है, वैल्यूज हम खुद एंटर करते हैं। तो आपको लग रहा होगा every 6 months में टेस्ट, दैट इज जस्ट गवर्नमेंट वे ऑफ मेकिंग मोर मनी, एज आई एम श्योर वहां भी करप्शन नहीं रुकेगा। कार पोल्यूशन टेस्ट को लोग पैसे देकर पास करवा लेंगे, मे बी नॉट, बट दिस टेस्ट कैन हेल्प टू स्टॉप पोल्यूशन। US में इस टाइप का टेस्ट बहुत टाइम से होता है, उसको एमिशन टेस्ट बोलते हैं। एंड वहाँ की गवर्नमेंट का लॉ है कि चाहे आपकी कार 1 year old है या 30 years old, एमिशन टेस्ट में पास हो रही है तो इट इज़ लीगल टू ड्राइव। इस एमिशन टेस्ट में कार के ब्रेक्स, लाइट्स एंड पोल्यूशन चेक करते हैं, एंड अगर कार की विंडशील्ड में क्रैक है या लाइट येलो एंड फेडेड है या कार पोल्यूट कर सकती है तो वो कार एमिशन पास नहीं करेगी। तो आई थिंक अच्छा डिसीजन है ये एक सुप्रीम कोर्ट का, एंड आई थिंक बहुत पहले अप्लाई करना चाहिए था, बट बेटर लेट देन एवर। एंड इस चैनल पर लॉन्च OBD2 स्कैनर दैट इज वर्थ ₹3,000 का गिव अवे चल रहा है पूरे इंडिया के लिए। अगर आप जीतना चाहते हो तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, बहुत ही सिंपल है, बस सब्सक्राइब करना है आपको, एंड गिव अवे 1,000 subscribers पर होगा। सो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी एंड आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार, उस लाल बटन को दबाओ। ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, यूजफुल नहीं लगी तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। तो स्टे पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।